The Madurai bench of the Madras High Court has condemned Tamil Nadu's Jamaatul Ulama Sabha for issuing a fatwa against the secular court judges and calling them kafir. The bench also condemned the Jamaat for stating that they would not let them pass any orders against the so-called orders passed by it. Sania Mirza se lekar Sonu Nigam tak. तक कई लोग अपने खिलाफ फतवा जारी होने की घिनौनी सच्चाई का सामना कर चुके हैं, लेकिन अब तो देश के काबिल जजेस भी इससे नहीं बचे। इन फतवों के निशाने पर अब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के जजेस आए हैं। ट्रिपल तलाक पीड़िता को मद्रास हाई कोर्ट ने राहत क्या दी, तमिलनाडु की जमातुल उलेमा सभा को जजों के खिलाफ फतवा जारी करने का आइडिया सूझा। कोर्ट के आदेश से जमात इस कदर कुड़ गई कि जजों को काफिर कह डाला। यू कैन नॉट थ्रेटन द जुडिशरी, यू कैन नॉट मेलाइन द जुडिशरी। द जुडिशरी हैज एन ऑब्लिगेशन टू डिसाइड दीज केसेस एंड देयरफॉर एनी काइंड ऑफ अ फतवा और अ थ्रेट इज अंडरमाइनिंग द मैजिस्ट्री ऑफ लॉ and the authority of the courts. The Hindus and Muslims are looking at each other in a different manner. Oh, does Islam really, Muslims really, they practice such barbaric thing as triple talaq? Do the Muslims really have call everybody, keep calling whoever they hate as a kafir? जमात की ये हरकत हाई कोर्ट को रास नहीं आई। ऐसी खोखली संस्थाओं की वैधता पर सवाल करते हुए कोर्ट ने जमात को उसकी सही जगह दिखाई। साहब जज के खिलाफ तो बहुत लोग कह रहे हैं, अगर जज कुर्सी के ऊपर बैठकर इंसाफ ना करे तो उसे क्या कहें। अभी एक जज साहब ने राजस्थान में ये कह दिया कि मोर जो है वो ब्रह्मचारी है, कि लफ्ज काफिर कोई गाली नहीं है, कोई भद्दा लफ्ज नहीं है, बल्कि काफिर के माने हैं खुदा का इनकार करना। दे शुड बी ट्राइड फॉर कंटेम्प्ट बिकॉज इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर इट इज अ क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट एंड नाउ द जुडिशरी शुड नॉट सरेंडर टू दीज फंडामेंटलिस्ट। इट इज टाइम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज अपहेल्ड एंड आई एम होपिंग दैट नाउ व्हेन अ फतवा इज पास्ड अगेंस्ट अ कोर्ट द कोर्ट विल राइज टू द ओकेशन एंड शो दीज पीपल देयर प्लेस। मजहब के इन ठेकेदारों के प्रति अब सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि अब ये हमारे न्यायिक संस्थानों पर उंगली उठा रहे हैं और दकियानूसी फतवे दे रहे हैं। दिस फतवा इज डेंजरस एज इट इज हिलेरियस एंड अनइस्लामिक। दिस जमात शुड बी बैंड एंड उलेमास, द सो कॉल्ड उलेमास हु हैव इशूड फतवा अगेंस्ट आवर ऑनरेबल जजेस हैव टू बी बुक्ड अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द आईपीसी फॉर शोइंग कंटेंप्ट टू द जुडिशरी। जमात द्वारा जजों के खिलाफ जहर उगलने से एक विचलित कर देने वाला सच उभर कर आया है। न्यायपालिका से खुद को ऊपर समझने की जमात की ये सोच खतरे की तरफ इशारा करती है।